ले चलते हैं आपको ठाकुरगंज की अगली खबर की ओर, जहां एक तरफ पूरे भारत देश में नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ठाकुरगंज में पूर्व विधायक प्रत्याशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन, जिसमें नुपुर शर्मा और विपक्ष के खिलाफ साधा है निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या उद्देश्य है? आज बहुत अहम उद्देश्य है पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए, विशेष रूप से ठाकुरगंज और किशनगंज के जनताओं के लिए। सबसे पहली बात यह है कि आज जब नबी के नामों पर सवाल आया और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, मुसलमानों के नौजवानों को जेलों में ठूसा जा रहा है, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में वो पार्टियां जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताता है, वो लीडर जो खुद को कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के लोगों को संविधान के तहत इंसाफ दिलाएंगे, ऐसे लोगों को, वैसे लीडर आज कहां है? आज ठाकुरगंज के अंदर आरजेडी की मीटिंग रखी गई, लेकिन हमारे नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपशब्द कहा गया नुपुर शर्मा द्वारा, लेकिन उस पर अभी तक किसी पार्टी ने प्रोटेस्ट करने का काम नहीं किया। मैं वैसी पार्टियों से पूछना चाहता हूं और वैसे लीडरों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग चुनाव के दौरान अल्पसंख्यक का वोट लेने के लिए सर पर टोपी पहन लेते हैं, लेकिन जब अल्पसंख्यक के दिलों के साथ खेला जाता है, एक जाति विशेष के भावनाओं के साथ खेला जाता है, उस वक्त आप लोगों की जबान पर ताला बंद क्यों रहता है? और वैसी सियासी आकाओं पर जब कोई बात आती है तो चड्डी पान करके पार्टी के लोग घरों से निकल जाते हैं, लेकिन आज जब एक जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी की गई तो उनको वक्त नहीं मिला प्रोटेस्ट करने का, उनके हकों हुकूक को इंसाफ दिलाने का वक्त उनको नहीं मिलता है। हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की लीडर, भाजपा के नेता लगातार कभी एससी एसटी को लेकर के, कभी हमारे आदिवासी समाज को लेकर के बयानबाजी करते रहते हैं, कभी मुसलमानों को लेकर के, लेकिन जो अल्पसंख्यक को अपना, अल्पसंख्यक का रहनुमा कहता है अपने आप को, वो लोग घरों में छुप करके बैठे हैं। पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके पास वक्त है, उनके पास समय है, लेकिन हिंदुस्तान के एक जाति विशेष पर टिप्पणी की गई उस पर बोलने के लिए सर वक्त नहीं है उनके पास। तो मैं हिंदुस्तान और विशेष रूप से किशनगंज और ठाकुरगंज के जनताओं से, नौजवानों से, युवाओं से कह देना